वेलकम बैक। अब आपको बताएं, शरीफ फैमिली की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से एक और मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नैब ऑफिस पहुंच गए। छोटे भाई की खैरियत दरियाफ्त की, पार्टी अमूर भी ज़ेरे गौर आए। बात कर लेते हैं, मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, कहिएगा, नवाज शरीफ पहुंचे हैं शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो सबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब अपने भाई से मिलने यहाँ पे पहुंचे हैं, उनके साथ उनकी देखा जाए मरीम नवाज शरीफ और नुसरत शहबाज शरीफ यहाँ पे पहुंची। तो उससे कबल भी अगर बात की जो हमजा शहबाज शरीफ फरीब वो भी यहाँ पे पहुंचे और देखा जाए एक घंटे की है मुलाकात यहाँ पे। और साथ साथ देखा जाए इतवार का रोज़ है, इतवार के रोज़ छुट्टी का दिन था जिसके बाद डी जी नैब खुद यहाँ पे मौजूद हैं और वो निगरानी कर रहे हैं। उनकी निगरानी में जो यहाँ पे मुलाकात जारी हो सारी और यहाँ पे मुख्तलिफ मामलों पर यहाँ पे तबादला ख्याल होगा। साथ साथ ये भी देखा जाएगा केसेस पे बात की जाएगी, अपने इनको अहले खाने पे केसेस हो रहे हैं, साथ साथ शहबाज शरीफ पे जो केस है उसके हवाले से यहाँ पे बात की जाएगी। और सिर्फ एक घंटा यहाँ पे इजाज़त मिली है बात करने की और अभी सिलसिला जारी हो सारी है। एक घंटा पूरे होने के बाद यहाँ से उन लोगों को रवाना कर दिया जाएगा। जी मोहम्मद अवैस, और भी बताइएगा कि कितनी देर तक जो है ये मुलाकात रहेगी और कितनी देर हो चुकी है इस मुलाकात को शुरू हुए। जी बिल्कुल, अगर टाइम की बात की जाए तो उससे पहले अगर पहले भी डेढ़ घंटा शरीफ फैमिली की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से एक और मुलाकात हुई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नैब ऑफिस पहुंचे हैं, छोटे भाई की खैरियत दरियाफ्त की है और पार्टी अमूर भी ज़ेरे गौर आए हैं इस मुलाकात में। मज़ीद बात कर लेते हैं, राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, कहिएगा, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात हो गई है, हमजा शहबाज और मरियम नवाज पहुँचे हैं यहाँ पर। नवाज शरीफ की जो है मुलाकात हो गई है, जबकि हमजा शहबाज मरियम जो है नवाज शरीफ के भी आने की तरह पहुंच चुकी हैं, जबकि नुसरत शहबाज भी जो है वो भी शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंची हैं। इस वजह से जाय का कहना ये है कि तकरीबन एक से डेढ़ घंटे तक जो है मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें शहबाज शरीफ की जो सेहत है उसके बारे से भी गुफ्तगू शहर की जाएगी, क्योंकि कल जो है गुजशतर रोज उनकी साबिक बीवी जो है तमीना वो भी आई थी और उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया है इस वाले से कि शहबाज शरीफ की खिदमत जो सेहत जो है वो ठीक नहीं है। इस वाले से जो है बातचीत की जाएगी ताकि जो बोर्ड बनाना था मेडिकल का डॉक्टर्स के हवाले से, डॉक्टर्स का जो बोर्ड बनाया जा सके, जबकि सियासी सूरत के हवाले से भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि आईने का क्या नया मतलब बनाना है, क्योंकि जो आगे कायम कमेटियां बन रही है इसके अलावा से सियासी सूरत हाल जो है उससे भी जो है गुफ्तगू शुरू की जाएगी। जो जो डी जी नैब है शहजाद सिंह वो भी पहुंच चुके हैं ताकि जो है पूरा प्रोटोकॉल जो है नवाज शरीफ को दिया जा सके और किसी किस्म की मुलाकात में हर्डल्स ना हो। इस हवाले से तमाम जो अफसरान है, तफ्तीशी अफसरान है वो भी पहुंच चुके हैं, जबकि डी जी नैब शहजाद सिंह भी मौके पर मौजूद है। अब मुलाकात का सिलसिला जारी है, तकरीबन एक से डेढ़ घंटे तक मुलाकात जारी रहेगी, जिसमें मुल्की मामला के अलावा शहबाज शरीफ की जो सेहत है उस हवाले से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की जाएगी। जय का कहना यह है कि डी जी नैब भी वहां पर मौजूद है तो हो सकता है कि मेडिकल बोर्ड के हवाले से भी कोई बातचीत हो सके कि बातचीत में कि मेडिकल बोर्ड कब तक जो है वो बनाया जाएगा और कितने डॉक्टर्स हैं और कौन कौन से जो डॉक्टर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो जो है इस मेडिकल बोर्ड में शामिल होंगे, तमाम जो गुफ्तगू है वो होगी आज मुलाकात में। जी ठीक है, शरीफ फैमिली की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से एक और मुलाकात हुई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने भाई छोटे भाई से मिले हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है और पार्टी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। शुक्रिया आपका राहिल सैयद और मोहम्मद अवैस, आप हमारे साथ मौजूद थे।